हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आज जो है हम ये पार्ट करने जा रहे हैं बी प्लस नाउन एडजेक्टिव अदर वर्ड्स। इससे पहले मैंने मॉडल वर्ब्स के सारे बताए कि कहाँ कैसे इसको यूज़ करते हैं और ये कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो बी होता है, अभी मैंने पहला वाला बताया था कि बी पैसिव वॉइस में आता है। जब पैसिव वॉइस में आता है तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आता है, लेकिन जब एक्टिव वॉइस में ये आता है तो एक्चुअली में इसको वॉइस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वॉइस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट होते हैं, एक मॉडल वर्ब होती है इसके साथ, और इसके साथ हमेशा नाउन और एडजेक्टिव ज़्यादातर दिखाई देगा आपको, या अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे देखिए हम बनाते हैं, ये बनता है एक्टिव वॉइस में। एक तो ये वाला बनाया था बी के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन तब आती है जब ये पैसिव में बनती है, ठीक है। जब मॉडल पैसिव होती है तब होती है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे कि यू मस्ट बी अ स्टूडेंट, तुम्हें एक स्टूडेंट जरूर होना चाहिए। यू मस्ट बी अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे बी आ गया और आगे एक नाउन क्या है, स्टूडेंट है, इससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे वॉइस क्या है, एडजेक्टिव है। आपने पिछले वाले में देखा कि एक नाउन है, इसमें देखा कि एक एडजेक्टिव है। लेकिन क्या कभी हो सकता है कि नाउन और एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, शी शुड बी एन इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट गर्ल, उसे एक तेज लड़की होनी चाहिए, उससे एक तेज लड़की। देखिए इसमें इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है, इसी गर्ल नाउन को इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में कभी भी बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। अगर इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ रेयर जगहों पे मैंने देखा है कि ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसमें आईएनजी फॉर्म साथ में आती है, आईएनजी फॉर्म साथ में आती है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज होकर के गलत मत करिएगा। तो इतना ही था इसमें, इसको आप इंट्रोगेटिव अपने तरीके से बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये वाला जो पार्ट है पहला, इसी को हम केवल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड विच, हो, होम, हाउ, हाउ मच, व्हेन, ये सब के पहले रखते हैं। जैसे कि देखिए, हम आपको एक बना के दिखा देते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। देखिए यहाँ पे शुड है, इस शुड को निकाल दीजिए इसमें से, यहाँ शुड कर दीजिए, तो शुड सी बी हो गया एन इंटेलिजेंट गर्ल, बन गया इंट्रोगेटिव। इसी में से यहाँ भी मस्ट निकाल देंगे, मस्ट यू बी ए स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो शुड शी नॉट बी, क्या उसे एक इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ लगाए थे तो गर्ल मिटा दिए थे पहले वाले सेंटेंस में, देख लेना, सही कर लेना आप। तो शुड शी नॉट बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या उसे एक इंटेलिजेंट गर्ल नहीं होनी चाहिए। या इस नोट को आप यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में लिख देते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके लगा सकते हैं, शुडंट शी बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। या इसी सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, हाउ शुड शी नॉट बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, उसे एक इंटेलिजेंट गर्ल कैसे नहीं होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि शुड, पॉसिबिलिटी क्या है लगता ही है, इस नॉट को आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ जब नॉट आ जाएगा तो ये नॉट हट जाएगा ऑटोमेटिक, फिर बन जाएगा हाउ शुडंट शी बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए कितना सेंटेंस को मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, कितना ज़्यादा। कई स्टूडेंट एक ही फॉर्म को याद कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे याद कर लेंगे हाउ शुड शी नॉट बी, समझते नहीं है, जिसके कारण से कई दिनों के बाद जाके वो भूल जाते हैं, ठीक है। ये नेवर है यहाँ पे,
तो अगर नेवर है तो यहाँ पे नेवर लगाइए। ध्यान रखिएगा कि नेवर कभी भी यहाँ सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे नहीं आता। ऐसे नहीं बोल सकते हाउ शुड नेवर शी बी, गलत हो जाएगा। ऐसे बोलिएगा हाउ शुड शी नेवर बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि उसे एक इंटेलिजेंट गर्ल कैसे कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और बाकी मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में कि आपको 10 सेंटेंस या तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और या तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छा हो सके। आप अपना ओपिनियन या आप अपना क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सब कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। बाय देन, टेक केयर योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे।